उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक हरीश धामी इस्तीफा दे सकते हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात के बाद सचिव पद से दे सकते हैं इस्तीफा, जल्द कांग्रेस छोड़ने की भी कर सकते हैं घोषणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त कि टीम प्रतिम घोषित होने के बाद से नाराज चल रहे हैं धामी, नई टीम में सचिव पद की मिली जिम्मेदारी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पे धामी जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है। कांग्रेस के विधायक हरीश धामी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ये आपको बता दें उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात के बाद सचिव पद से इस्तीफा दे सकते हैं आज, जल्द कांग्रेस छोड़ने की घोषणा भी कर सकते हैं, बड़ी खबर है इस वक्त आपको बता दें। और सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इस्तीफा देने के बाद और कांग्रेस छोड़ने के बाद, धामी किसका दामन थामेंगे, वो प्रदेश की किस पार्टी का दामन थामेंगे, ये सबकी निगाहें जो हैं वो इस वक्त इसी पर टिकी रहेंगी। पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि कांग्रेस के विधायक हरीश धामी इस्तीफा दे सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और वहीं इसके साथ ये भी कवायदे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ने की घोषणा भी जल्द ही कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से उनके कांग्रेस छोड़ने की बातें जब से आ रही हैं और इस्तीफे की बातें जब से सामने आ रही हैं, तब से सभी के मन में केवल एक ही विचार ये आ रहा है कि अब धामी किसका हाथ थामेंगे, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस के बाद या यूं कहें कि केवल दो ही मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। क्या वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, फिलहाल इसकी तो कोई अपडेट नहीं है, पर जो कवायदे हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं। बाकी देखना होगा कि इस्तीफा देने के बाद वो कौन सी पार्टी का दामन थामते हैं। तो मैं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक हरीश धामी इस्तीफा दे सकते हैं अपना, और आज ही वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद सचिव पद से इस्तीफा दे सकते हैं हरीश धामी। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। जी पंकज, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मन मुटाव है कांग्रेस के अंदर और हरीश धामी के अंदर कि वो इस्तीफा देने पर तुल गए? देखिए, हरीश धामी की जो वजह है वो काफी वाजिब नजर आती है, जिस तरीके से पिछले दिनों जो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई और उसमें तमाम जो छुटभैया नेता है उनके साथ साथ विधायक हरीश धामी को भी प्रदेश सचिव बना दिया गया, जबकि उनका नाम विशेष आमंत्रित सदस्य में था। उनका ये कहना था कि जो हारने वाले जो तमाम विधायक रहे या फिर जो तमाम नेता रहे उनको तो प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री बना दिया गया, लेकिन मुझे प्रदेश सचिव बनाकर नीचा दिखाया गया है। तो ऐसे में उन्होंने घोषणा की थी कि वो सोमवार को यानी आज प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, प्रदेश कार्यालय में आएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे कार्यकारिणी से। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश कांग्रेस से भी इस्तीफा देने की बात कही है, वो कब वो करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बात पे जरूर नाराज है हरीश धामी। हालांकि प्रीतम सिंह ने कल इस बात को लेकर साफ किया है कि उनकी इस तरह की कोई मंशा नहीं है कि वो किसी को नीचा दिखाए राजनीति में। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस लिस्ट में हमने हरीश धामी का नाम भेजा उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य में उनका नाम था, ऐसे में किसने उनका नाम उठाकर प्रदेश सचिव में डाल दिया ये एक सवाल है। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को आलाकमान के सामने उठाएंगे, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या हरीश धामी इस्तीफा देने पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय या फिर क्या इस पूरे मसले पर क्या कुछ होता है, यह आज देखना दिलचस्प होगा। जी पंकज, अगर बात करें पार्टी को लेकर, जैसे तरीके से पार्टी से भी इस्तीफा देने की बात करें, पार्टी छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, तो बात करें तो प्रदेश में केवल दो ही पार्टियां देखने को मिलती हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। तो क्या ये देख सकते हैं कोई संकेत है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। अगर वो कांग्रेस छोड़ भी देते हैं तो निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी अगर कहा जाए तो धारचूला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर निर्दलीय ही जीतते आए हैं, इसलिए कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि वो अगर 2022 के चुनाव में, वैसे भी हरीश धामी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर कांग्रेस से इस्तीफा देंगे, और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार वो हरीश रावत के कहने पर भी नहीं मानेंगे। वो हरीश रावत के खास माने जाते हैं, हरीश रावत के चेले माने जाते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा क्या हरीश रावत उन्हें मना लेंगे कि या फिर आज वो अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे। कुल मिलाकर ये जरूर मनमुटाव वाली स्थिति है और जो उनकी जो वजह है वो वाजिब नजर आती है कि उनको कुछ ऐसे लगभग 98 प्रदेश सचिव बनाएंगे, उसमें ज्यादातर छुड़भैया नेता है, इसलिए आप एक विधायक को उन तमाम छुड़भैया नेताओं के साथ नहीं जोड़ सकते। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है हरीश धामी की भी
कि वो अपनी सम्मान की लड़ाई लड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश संगठन क्या इस मसले पर उनसे बातचीत करता है और उनको मना लेता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए और हमें सारी जानकारियां देने के लिए।